ऐसी चल रही, इधर से वाली गाड़ी एकदम सामने आ गई। ठीक है कि वैसे जानता भाई, आप कितना भी कोशिश कर लो, मेहनत कर लो भाई, इसका तो टायर ही निकल गया। ये हो गया ना तगड़ा वाला एक्सीडेंट यार। और यहाँ से पहाड़ पूरे चालू। ऑलमोस्ट 12:20 और अभी हम गाड़ी में सामान पैक कर रहे हैं। पूरे दिन क्या हुआ, मैं एक बार गाड़ी में सामान लोड करूं फिर आपसे बात करूं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने अमेजिंग ट्रिप को। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा अपसेट या ऐसा ना रहूं, ठीक है, आपके साथ मस्त बातें करते जाऊं। और अपन जा कहां रहे हैं वो भी आपको अभी बताते हैं। इससे पहले यहाँ से निकलते हैं, सबसे पहले कॉफ़ी उठाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं भाई आज का दिन रहा कैसे। एक मिनट समय नहीं मिला कैमरा उठाने का। निकलने तो दो वाले थे, निकल अकेले रहा हूँ। कॉफ़ी लिया था यहाँ से, क्योंकि अभी यहाँ से जो अपना पहला स्टॉप रहेगा वो रहेगा नीलकंठ करनाल, और करनाल के पहले अपन कहीं रुकेंगे नहीं। अब देख रहे हैं कि भाई हम किस रास्ते से होके जाएं। ये जो हमें रास्ता दिखा रहा है ना वो दिल्ली वाला दिखा रहा है, और उसमें बीच में दो जगह पे हमें जैम दिखा रहे हैं, एक रजौरी और एक सिंगू बॉर्डर। तो अब देखते हैं कहाँ से होके जाएंगे। बाकी आइस लाते डबल शॉट, ताकि हमारी आँखें जो बंद हो रही थी ना वो खुली रहे, और जहाँ भी नींद आएगी, घर पर सोना था गाड़ी में सो जाएंगे। बहुत टाइम हो गया ना गाड़ी में सोए हुए, लास्ट सोए थे जयपुर वाले ट्रिप पे, मुंबई जब जा रहे थे। बाकी आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था यार, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। चलते चलते बात करते हैं। हेक्टिक इसलिए था क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ थी। हाँ जी ब्रदर, सर एक फोटो आ जाइए। तो अपना दिन पूरा ऐसे ही गया, और फिर मैंने आके मैं आधे घंटे एक घंटे सोया, और उसके बाद मैं निकल गया। मैंने कहा कॉफ़ी जगाएगी आज कॉफ़ी जगाएगी, सुबह का सनराइज़ पहाड़ों पे देखेंगे। कहाँ जा रहे हैं? तो भाई स्टार्ट हो रही है हमारी स्पिति वैली ट्रिप। अज्जू भाई अपने को एक दिन बाद या डेढ़ दिन बाद ज्वाइन करेंगे, तो आज प्लान तो था निकलने का दो दिन पहले, बट देन हाईवे पे ना लोग उल्टा आ रहे थे, तो मैंने हाईवे के पहले ही ना फ्लाईओवर पे। अच्छा भाई साहब ये पंगा है ना, ये पंगा है, इधर से अंदर से ले लेते हैं। ये पंजाबी बाग वाला फ्लाईओवर, ये मेरे को ना दिल्ली और हरियाणा जो बॉर्डर है ना वहाँ पे भी लग रहा है कि सिंगू बॉर्डर वहाँ पे भी शायद जैम हो सकता है। भाई सही ले रहा हूँ, कहीं और ही जा रहा हूँ भाई, मैं मेरे को नहीं पता ये रास्ता। हाँ मैं बस चला जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जाएगा। इस गाड़ी के पीछे गाड़ी मुड़ी ना, उसी के पीछे मुड़ गया था मैं। रात के समय ऐसा सुनसान सुनसान सा ना, कहीं तो निकल ही जाएंगे। लो भैया यहाँ से कहाँ निकलेंगे, यू टर्न मारो। केएमपी से आना चाहिए था यार, मुझे लगा कि 12:30-1 बज रहे हैं, मस्त आराम से दिल्ली से होके निकलेंगे, ट्रैफिक नहीं मिलेगा भाई। लेकिन अभी रोड वोड बनने का काम वाम चल रहा है ना। ये पहुंच गए जी अपन सिंगू बॉर्डर, और ये देखो यहाँ पे आगे ना जैम लगा। बस ये मेरे को ना रास्ता नरेला होके नहीं निकाले, अदरवाइज रात में ना गांव के अंदर से रास्ता ना बहुत घूम फिर के ना बेकार ही हो जाता है। ठीक है कि वैसे जानता भाई, लोगों ने यहाँ गाड़ी लगाई हुई और हाईवे बंद है। ठीक, अरे साला रात में 1 भी आदमी को खुशी मिल रही है। आपकी दुकान इधर है ऐसा बाहर लिखा हुआ था, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ भाई, दुकान से लेके गाड़ी मत चलाया करो। बेतरामपुर का रास्ता भी उधर है भाई, उधर कितना जाम लगा है ये देख रहे हो भाई। आते वक्त तो ये क्लियर है कि भाई इस रोड से नहीं आना, केएमपी होते हुए आना है। जाते वक्त तो फिर भी निकल गए, आते वक्त तो भाई बुरी हालत हो रखी है रोड के। उधर देखो
इतने ट्रक्स हैं, इतने ट्रक्स हैं, चारों तरफ ट्रक्स और बसेस। और आगे कर दो भैया, उड़ा दो उसको। भैया कह रहे और आगे करो, और आगे करो। भाई सच्ची में यार, इतने ज़्यादा ट्रक्स। और एक्चुअली ये वॉल्वो का टाइम है, जितनी भी दिल्ली से वॉल्वो वगैरह निकलती है ना रात के टाइम, शाम के टाइम, वो ना इस टाइम पे क्रॉस करती हैं, तो शाम से पूरा आपको ना वॉल्वो ही वॉल्वो दिखेंगी। बाकी ठीक है, अभी पहुँचने वाले करनाल पहुँचने वाले, तो वहाँ पे देखते हैं एक बार, थोड़ा वॉशरूम यूज़ करने के लिए अपन रुक जाएंगे। एक कॉफ़ी पी ना ठंडी ठंडी, तो वॉशरूम यूज़ करना ही पड़ेगा। एक तो ये भाई हाईवे पे ऐसे ही रोक देते ना, अचानक से ट्रैफिक इस साइड घुस जाती है। अभी आराम से सीधे सी चल रहे, इधर से वाली गाड़ी एकदम सामने आ गई। भाई ये बहुत गलत है यार, अपना हाईवे पे ऐसे गाड़ी मत। भाई नीचे उतर के लगा लो, हाँ भाई नीचे उतर के लगा लो जहाँ गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, कि एक दिन तो खुद तो जाओगे दूसरे को लेके जाओगे। नीलकंठ पे यहाँ पे 5 मिनट का तो रेस्ट बनता है भाई, 5 मिनट का रेस्ट, क्योंकि अपन ने 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप ये तो बंद कर दिया गुरु। अच्छा नहीं, आगे से है शुरू, मुझे लगा कि बंद ही कर दिया भाई। ये तो बीच में यही टूटा हुआ है। अरे यहाँ पे लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी लेके आना, ये देख रहे हो। इस बार स्नो में तगड़ा मजा आने वाला है भाई, तगड़ा मजा। भाई सुबह सुबह का टाइम, सफाई चल रही है और बरिस्ता खुला हुआ है। गाड़ी हमने सामने लगा दी थी, भैया पूछे थे कितने की गाड़ी है, हाँ बहुत कम दिखती है। मैंने कहा भैया मेरे को भी कम ही दिखी थी इसीलिए उठा ली। चलो अभी सबसे पहले चलते हैं वॉशरूम, थोड़ा फ्रेश होते हैं भाई। हाँ बॉडी का ना हर टाइमिंग सेट है, अभी सेट है। आप कितना भी कोशिश कर लो, मेहनत कर लो, पेट दबा लो, टेढ़ा बैठ लो, सीधा बैठ लो, जो चीज़ नहीं आना वो नहीं आएगा। थैंक यू भैया को मैंने बोला था एकदम जहर कॉफ़ी बनाना, एकदम जहर कॉफ़ी। एक आइस लाते, डबल शॉट, मस्त है ना भैया। हाँ थैंक यू, गुड नाइट भैया। तगड़ी, ये कौन है, एलिजाबेथ है। पे ना कोई गाड़ी एक्सीडेंट की है और ओह ट्रक। भाई रात के टाइम पे ना इस हाईवे में ना बहुत सारे ऐसे एक्ट। हाँ तुम घुस लो पहले भाई, इसका तो टायर ही निकल गया। और ये ना चलते चलते हाईवे पे पुलिस वुलिस है तो वो मैनेज कर रही है, नहीं तो भाई एक के पीछे एक गाड़ियाँ लग जाती। अपन पहुंच चुके हैं अंबाला, और अंबाला पहुंच के जो सबसे पहला काम होता है ना, जितने भी विंडो शेड्स हैं ना वो निकालना। ये तो नहीं निकाल रहा, बट ये सारे ना काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं, तो अब विंडो शेड्स की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि अब पहाड़ में अच्छे अच्छे नज़ारे देखेंगे। और चंडीगढ़ पुलिस आएगी जो गाड़ी चेक कर सकती है, तो विंडो शेड निकाल के सारे रख देते हैं। क्यों ज़बरदस्ती चलान कटवाना यार। हर टाइम हो रहा है 4:30 और हमने पता नहीं कितना कवर किया। एक तो आगे भी आ जाता हूँ ना मैं, देखते हैं कितना कवर किया एक बार। अरे पीछे से देखो कितना लाइट, भाई पीछे वाला शेड तो नहीं हटाया मैंने। हमने कवर कर लिया है भाई अच्छा खासा डिस्टेंस। 20 डिग्री है फिलहाल बाहर का टेम्परेचर, और बाहर ना निकल के हल्की हल्की सी ना ठंडी लग रही थी। ठंड क्या लग रही थी, मतलब भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी, प्यारी प्यारी सी ठंड। 240 किलोमीटर्स एग्जैक्टली। चलो अभी बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। अवॉइड रोड क्लोजर NH5। हम इस पूरे ट्रिप पे ना नेशनल हाईवे 5 पे रहेंगे, ठीक है। और अभी भी 5.5 घंटे बाकी हैं। लंबा निकल गए क्या लंबा निकल गए भाई। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से निकल गए तो निकल गए। अगल बगल से इतनी तेज़ देख रहे हो बसेस को, देख रहे हो भाई चिपका के निकालते, चिपका के, जैसे प्यार है ना मेरे से। बट ट्रिप पे ना ये देखो अंडर बॉडी कैमरा, ये ना नीचे मेरे को बता रहा है भाई कैसा है क्या है, क्योंकि बहुत बार ना इतनी बड़ी गाड़ी है ना, आपको ना अगर सामने एकदम बम्पर टू बम्पर चल रहे ना तो पता ही नहीं चलता यार, तो उस समय ना ये वाली चीज बड़ी हेल्प करेगी। राइट लेफ्ट और दोनों साइड 360 कैमरा ना, ये बहुत हेल्प करेगा इस बार ऑफ रोडिंग के दौरान। मतलब लंबा चौड़ा जैम लगा हुआ है भाई, लंबा चौड़ा जैम लगा हुआ है।
वो तो साइड में एक रास्ता खाली है ना, तो अपन फिर भी आगे निकल रहे हैं, तो इसको तो सारे ट्रक्स का ट्रैफिक है, सारे ट्रक्स और बस का ट्रैफिक है। उधर दिल्ली से जितनी गाड़ी आ रही है ना, इधर आके बॉटल नेक के वजह से फंस रही है। फंस क्या रही है, मतलब धीरे धीरे निकल रही है। ये हो गया ना तगड़ा वाला एक्सीडेंट यार, ये तगड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया है और इसी की वजह से जाम था। मुझे लगा शायद ट्रक का ट्रैफिक है इस वजह से, लेकिन भाई बहुत तगड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ था। विंडो शेड तो फर्जी में उतारा था भाई, कोई पुलिस चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। सुबह के 5 बज रहे भाई, सुबह के 5 बजे पुलिस क्या ही चेक करेगी, जो पार्टी वार्टी वाला सीन रहता है वो 2-3 बजे खत्म हो जाता है। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू हिट द हाईवेज, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रक का और बसेस का ट्रैफिक मिलता है, लोकल ट्रैफिक नहीं मिलता। बाकी यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, तो ठीक है अपना कुछ हाईवे वे और इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ से कुछ टाइम में और विल जस्ट एंटर हिमाचल एंड पहाड़ शुरू होने वाले हैं। हेलो जी, हिमाचल में आपका स्वागत है। हाँ, फाइनली ग्रीन टैक्स बैरियर पे आ गए और यहाँ से पहाड़ पूरे चालू। मतलब अभी भी कर्व्स थे, ये शीशा थोड़ा गंदा हो रहा है। कोई नहीं, अभी कहीं रुकेंगे चाय वाय पीने के लिए, थोड़ा दिन हो जाए, मतलब थोड़ा उजाला हो जाए। अपने को LC का ना एक रिव्यू वीडियो बनाना था, बट वो वीडियो मैंने डिले इसलिए किया ताकि जब हम वो रिव्यू वीडियो बनाए ना, तो मैं आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें बता पाऊँ कि भाई पहाड़ों में देखो, हाईवे तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर का ट्रिप था, बट पहाड़ों का और स्नो का भी एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊंगा कि भाई कैसा रहा अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस हाईवे एंड पहाड़ों का। भाई अभी एक शॉट लेने के लिए मैंने शीशा खोला, बाहर का टेम्परेचर मैंने देखा नहीं, बाहर का टेम्परेचर फिलहाल है 13 डिग्री। और क्या मस्त हवा यार, क्या मस्त हवा। वैसे मैं गाड़ी का शीशा खोल के नहीं चलाता, क्योंकि मिट्टी विट्टी ना फिर अंदर आती है, एयर और बेज इंटीरियर है ना, मैं थोड़ा ज़्यादा ही उसके बारे में सोचने लगता हूँ। बट सीरियसली यार, क्या मस्त हवा। बाकी अपन पहुँच गए जी सोलन, एंड नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। 2 कॉफ़ी पिया ना भाई, जब घर से स्टार्ट किया था ना तब नींद आ रही थी, उसके बाद पहली कॉफ़ी जब गई करनाल में, दूसरी कॉफ़ी गई और सीधे हिमाचल। हाँ भाई, नींद बिल्कुल नहीं आ रही। तो अपन ना नारकंदा पहले रुकने का प्लान कर रहे थे, लेकिन नारकंदा से भी आगे अपन जा सकते हैं। 3 घंटे दिखा रहा है यहाँ से नारकंदा, सुबह के 9:15 पे अपना अराइवल है। भाई 24/7 दिख गया था, तो यहाँ से ना रेडबुल ले ली, क्योंकि ना अपनी जो शुगर फ्री वाली रेडबुल है वो मिलती नहीं है कहीं। बाकी ये देखो, मैं नीचे आते आते ना भाई, आपको नहीं दिख रहा होगा भाई, नीचे बहुत नीचे है, गाड़ी मस्त चल रही है भाई और मस्त ठंड है, अच्छा लग रहा है, नज़र बहुत मस्त है। इसको तो पैक करके ये सही है, इसमें चाबी अभी खोलने, बटन वटन कुछ है नहीं, चाबी जेब में रखो गेट अपने आप खुल जाता है। इसको अभी रख लेते ना। वैसे मैं खाने का भी कुछ सामान लेके आया हूँ, और काफ़ी सारा सामान है इसमें, शुगर फ्री वाले बहुत सारी चीज़ें, छाछ वगैरह सारी चीज़ें। इसको इसी में डाल दो, ये वना तगड़ा ट्रिप का तैयारी, क्योंकि अपने को पता है अपन जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे रेडबुल छोड़ो, कोक भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस कंडीशन में हम वहाँ पे रहने वाले हैं, ये सब जितने कपड़े वपड़े हैं ना, टी शर्ट वीशर्ट सब बेकार है वहाँ के। मैं सच्ची बताऊँ तो ना, आज टॉय ट्रेन में पहली बार देखूँगा, मतलब ये टॉय ट्रेन वाला ट्रैक है और यहाँ पे ना टॉय ट्रेन आने वाली है। हाँ, सोलन से चलती है, पता नहीं नीचे से चलती है कहीं से और शिमला को जाती है, ये सिर्फ मूवीज़ में ही देखा मैंने। आ गई। तगड़ी किस्मत भाई। हाँ, पहली बार लाइफ में, इतनी बार आया हूँ मैं, इतनी बार हिमाचल,
कभी नहीं कुछ दिखा यार, मतलब हमेशा पटरी दिखती थी, रेल की पटरी, और हगते हुए लोग। हाँ आज कोई हग भी नहीं रहा था क्योंकि ट्रेन आ रही थी, कट जाता। क्या हुआ भाई? अच्छा ट्रक बहुत बगल से गया क्या? बता भी देती है ना गाड़ी, ध्यान से चलो, चौड़ी हूँ मैं। भाई अपन सोच रहे थे ना कि यहाँ पे ड्रोन निकाला जाए, देखो क्या मस्त सनराइज हो रहा है यार, मस्त सा। एक दो फोटोग्राफ लेने थे तो वो ले लिया, ड्रोन मैंने ले के आया हूँ मैं। अब देखो कामचोर भी तो हूँ ना मैं, उड़ाऊँ क्या? उड़ाता हूँ। सच्ची बताऊं तो ड्रोन तो ले लाना नहीं भूला, लेकिन ड्रोन को चार्ज करना भूल गया भाई। एक बैटरी बची थी और उस पर 20%, ओहो बहुत तगड़ा सूरज आया यार। और एक बैटरी बची थी और उस पर सिर्फ 20% चार्ज था, तो मैंने जो एक दो फोटोग्राफ लेने थे वो ले लिए। मैंने कहा इतना ही, इतने बैटरी में इतना ही, ज़्यादा दूर नहीं भेजने का, फिर आ नहीं पाता। मुझे पता है ना कितने तेज बैटरी खाता है भाई। तो अभी अज्जू भाई का फ़ोन आया था, वो गुड़गांव से अपनी गाड़ी सर्विस करा के आज ही पहुंच जाएंगे हिमाचल। तो अब अपने को होटल देखना है, बट पंगा क्या है ना भाई कि अभी अपन नारकंदा 10 बजे तक पहुंच जाएंगे और शिमला के पास देखना है ताकि उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि शिमला से फिर 50 किलोमीटर शायद नारकंदा है, तो उनको भी ड्राइविंग में ज़्यादा, क्योंकि वो ड्राइव करके ऑलरेडी रात में पहुंचेंगे। तो इतनी सुबह अपने को होटल चेक इन मिलेगा कहाँ, यही समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं ऑनलाइन बुक नहीं कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे जाके, जहाँ पे हम दोनों की गाड़ियाँ ईजिली पार्क हो जाए, क्योंकि शिमला में पार्किंग भी देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ईजिली पार्क हो जाए दोनों की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और होटल भी अर्ली चेक इन मिल जाए, तो मिला जुला के अपने लाइफ में अभी असमंजस चल रहा है कि भाई होटल ले का। शिमला यहाँ से 13 किलोमीटर है, जाओ भैया ना भाई इग्निस वाले बहुत तेज, बहुत तेज। तो अभी कहाँ 13 किलोमीटर के अंदर शिमला में देखें, मशोबरा देखें, क्योंकि देखो अभी तो मेन शिमला का ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अभी 7:30 बज रहे हैं। अब 7:30 बजे कौन सा होटल चेक इन देगा यार? अलग जितने भी अच्छे होटल्स और मतलब उस टाइप के अच्छे डिसेंट 4-5 स्टार होटल्स हैं ना, उन सब का चेक इन दोपहर का 2 बजे रहता है। अभी 2 बजे का चेक इन का क्या मतलब है भाई? नहीं 2 बजे का चेक इन का क्या मतलब है? ना इधर के ना उधर के, जल्दी दे दो भाई। 11 बजे जब निकाल रहे होटल से, चेकआउट तो तुम्हारा 11 बजे रहता है भाई, तो चेकआउट 11 बजे है तो 12 बजे दे दो। सुबह सुबह रूम तो मिल गया, यहाँ रुके हैं द हॉस्टलर। तो अपना बैग निकालना है, बैग निकालने के लिए क्या खोलना पड़ता है? ये खोलना पड़ता है, दिमाग चटक गया ना भाई, यहाँ पे ठंड है, दोनों बैग निकालना पड़ेगा। इसमें तो अपने नॉर्मल कपड़े, ज़रूरत है इसका पता नहीं, चलो रख के देते हैं। पर दो बैग चढ़ाने में ऊपर दिक्कत हो गया यार। ये रहा जी अपना रूम, और फिलहाल टाइम बज रहा है, इस पे मत जाओ, ये घड़ी बंद है, सुबह के 9:30 ही दिखा रहे हैं, अभी 5:30 हो रहा है। और ये है अपने रूम से कुछ व्यू, छोटा सा रूम है लेकिन व्यू सही है। बट अपने को था कि जल्दी होटल चेक इन मिल जाए। बाकी मैं कर रहा था जी अभी एडिटिंग, अज्जू भाई भी, अरे रुक जाओ भाई, कि अभी प्लीज कोई फ़ोन नहीं उठा रहा मैं। अज्जू भाई भी निकल गए हैं तो वो रात तक पहुंचेंगे। तो चलो कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो गिव इट अ थम्स अप चैनल पे, नहीं तो डू सब्सक्राइब चैनल। अभी भी अंदर रूम में जैकेट और कंबल के अंदर बैठे, कल मिलने वाला है अपने को बर्फ। स्टे ट्यून्ड।